अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, आज जो है ना वो आ गई है मेरी पहली तनख्वाह, और ये मेरी जो है ना वो जिंदगी की पहली तनख्वाह है, मेरी लाइफ की जो है ना ये पहली तनख्वाह है। इसके बारे में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले जो है ना वो हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि हमने कल जो है ना वो 37,000 सब्सक्राइबर्स की बात की थी, आज माशाल्लाह से 38,000 प्लस जो है ना हमारे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो हमारे जो 38,000 प्लस यूट्यूब फैमिली होगी है, हमारे जो 38,000 प्लस जो है ना वो यूट्यूब फैमिली होगी है, उनका जो है ना हम शुक्रिया अदा करते हैं। और हम लोग इंशाल्लाह 50K की जो है ना सेलिब्रेशन करेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि 40 की नहीं मैं करना चाहती, मैं यही सोच रही हूँ कि हमने 50 की करनी है और वो आप लोगों ने करवानी है। जितनी जल्दी हो सकता है आप लोग हमारे 50K की 50K करवाएं, ताकि हम लोग उसको अच्छे से सेलिब्रेट करें। जी बिल्कुल, जितना ज़्यादा हो सके हमें सपोर्ट कीजिएगा। और जो है ना वो अपनी पहली तनख्वाह की खुशी में जो है ना मैं घर में मिठाई भी लेके आया था, लेकिन मैं ये लेके आया था रात के वक्त, और रात को जो है ना मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, बच्चे भी सो गए थे, लुबना जो है ना उसकी तबीयत थी ख़राब, कल बुखार था, और इसलिए मैंने इसको फ्रीज कर दिया था, फ्रिज में रख के लॉक लगा दिया था कि मैंने सुबह ही सबको देनी है, क्योंकि बच्चे भी तब सो गए हुए थे। और पहली तनख्वाह ना हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब से शादी हुई है ना तब से लेके अब तक, शादी से पहले तो वैसे ही जो है ना स्टडी करता रहा हूँ ना, जब से शादी हुई है तब से लेके अब तक मैंने कहीं पे भी जॉब नहीं की, जब भी किए यानी कि पहले तो स्कूल अपना स्टार्ट किया था वो भी अपना बिजनेस था, उसके बाद अगर शॉप बनाई तो वो भी अपना बिजनेस था, यानी कि किसी के जो है ना अंडर काम नहीं किया था। यूट्यूब चैनल बनाया वो भी अपना बिजनेस है, तो अब अभी इन्होंने स्टार्ट किया, जॉब इनकी फर्स्ट सैलरी थी और इन्होंने लाके मुझे पकड़ाई थी, लेकिन मैंने फिर इनको वापस कर दी, क्योंकि इन्हें पता था कि मैंने इनको वापस कर दिया। मैंने पकड़ाई थी लेकिन इसे पता था सुबह बच्चों की फीस भी देनी है, सारे खर्चे जो है ना होने हैं। मजे की बात और ये घर की कोई भी चीज लेके आते हैं ना, कुछ भी लेके आते हैं, मैं घर का मतलब कुछ, आपको पता है हर औरत को होता है कि मैं घर के लिए ये चीज ले लूं वो चीज ले लूं, तो मैं कोई चीज भी घर के लिए लेती हूँ ना तो मुझे यही कहते हैं ये मेरा तुम पे लगाए हैं। तो आप जरा इंसाफ करके बताइएगा कि ये जो घर के लिए चीज आती है ये क्या मेरे पे लगते हैं? मेरे बात सुने, घर में ये भी है ना, तो ये घर में जो लगते हैं ना ये बीवी और बच्चों पे ही लगते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया कि और जो शख्स अपने बीवी और बच्चों पे खर्च करता है ना वो तो सबसे अफजल सदका है, तो मैं तो ये सदका समझ के खर्च करता हूँ। हाँ जी हाँ जी, आप सदका देते हैं? नहीं नहीं, सदका देता नहीं हूँ, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अफजल सदका है। जी बिल्कुल। और यहाँ पे जी हमारी गोलम टोलो बेबी जो है ना वो भी आ गई है स्कूल से, गोलम टोलो बेबी। हाँ जी वही मैं कह रहा, हाँ जी वो भी कह रहा, स्कूल में सही पढ़ाया आज? कंप्लेन आई थी आपके स्कूल से, कॉल आई थी आज, कॉल आई है, वो कह रहे मोना का पेपर ठीक नहीं हुआ। मैंने पेपर सही दिया है। कॉल आई थी, फिर कॉल क्यों की उन्होंने? वो वैसे मजाक से कर रहे हैं। किसके साथ आई हो? अच्छा जी, आज जो है ना वो पहली तनख्वाह आ गई है, और बच्चे जो है ना वो बड़े एक्साइटेड हैं, इन्हें पता नहीं है कि तनख्वाह पहली जो है ना वो किस चीज की आई है, बस ये जो है ना वो एक्साइटेड है, अपनी तरफ से जो है ना खुशी से पागल हैं, और खुशी इनको किस चीज के सिर्फ मिठाई की है, तनख्वाह की कोई खुशी नहीं है कि तनख्वाह ये नहीं है। और रात को मानो जाग रही थी ना, तो मानो की कोशिश थी कि अभी मिठाई मिल जाए और मैं खा के सोऊं, इससे सुकून नहीं हो रहा था। और कल आपको पता है कि पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच भी था, और मैं ये ब्लैक और व्हाइट दो किस्म के लेके आया था, मैंने कहा अगर पाकिस्तान हार गया तो ब्लैक खाएंगे, अगर जीत गया तो व्हाइट खाएंगे, तो अगर आज का पाकिस्तान हार गया आप लोगों ने व्हाइट खाने ब्लैक? ब्लैक। आप लोगों को पता तनख्वाह कितनी आई है? आप लोगों को बस यही पता मिठाई आई है, यही बस ये है कि घर में मिठाई आ गई है, किसी वजह से भी आई है लेकिन मिठाई आ गई है। मोना तो मुसलसल भंगड़ा डाल रही है। सबसे पहले किसको? सबसे पहले छोटी से शुरू करते हैं, गोलम टोलो अपने जो गोलम टोलो में भी है उससे, है ना? अच्छा गोलम टोलो व्हाइट के ब्लैक? ब्लैक। आपने अपने जैसे ही खाना है? अच्छा हाफ के पूरा? हाफ का ना पूरा? अब बोला नहीं जा रहा, बस खा रहा ही है। पहले सब्सक्राइब का बोलो, आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें, और मैंने आपको कहा था ना व्यूज करना, आपने व्यूज किए है ना? बताइए जी, उन्होंने बताया कितने किए? उन्होंने 10 लाख तो नहीं किए लेकिन अच्छे किए हैं। अच्छे आप क्या दो 50,000 को सब्सक्राइब कर दें, 50,000 सब्सक्राइबर कर दें हमारे, ठीक है? अगर आपने इस बार नहीं किया आपसे तो मैं वीडियो में कभी नहीं आऊंगी।
आ जाएगी देख लेगी, आपको धमकियां लगा रही अपना कंप्लीट खा लो, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि मोना की बर्थडे से पहले पहले हमारे 50 के हो। दानी ब्लैक वाइट, चलो पकड़ लो खा लो सारा। वाइट ब्लैक बच्चों को तो जी खिला दी है, अब बारी है लुबना मुझे खिलाए। अच्छा जी, अब लुबना जो है ना वो मैंने लुबना को अभी खिलाई नहीं है, लेकिन मैंने वाइट खाना है, आपको पता ही नहीं है अभी तक। अब लुबना जी खिलाएगी मुझे और वाइट छोटा ही है पूरा खा लिया। अब मैं लुबना को खिलाता हूँ। मैंने सुबह सुबह नहीं खानी अभी। आपने नहीं खाना है। अच्छा जी, नाना भी बैठे हुए साथ वाले रूम में, तो मैंने सोचा नाना को भी जाके मिठाई खिलाते हैं, उनको भी बताते हैं मेरी जो है ना फर्स्ट सैलरी जो है वो आ गई है आज मेरे साथ। चलते हैं नाना बू के रिएक्शन चेक करते हैं। मिठाई खा रहे हैं नाना बू, रोटी खा रहे हैं। मिठाई तनख्वाह आई पहले मेरे, तनख्वाह मैं क्या मिल गई रात में। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा जी, नाना बू को भी हम जो है मिठाई खिलाए हैं, और नाना बू जो है ना वो बहुत एक्साइटेड हुए हैं वो भी, कि जो है ना वो मेरी फर्स्ट सैलरी आई है, और उन्होंने पूछा भी है मुझसे कितनी आई है, उनको मैं बता के भी आया हूँ। और नाना बू की एज माशाल्लाह 80 प्लस हो गई हुई है, तो अभी भी वो उम्र से यही कह रहे थे कि मेरा भी बड़ा दिल करता है कि मैं भी कोई काम करूँ, लेकिन बस अभी कोई काम मिलता नहीं है। मतलब कि इतनी एज होने के बावजूद भी वो काम करना चाहते हैं, और मैं सोचती हूँ कि जो न्यू जनरेशन है वो इस तरह की क्यों है कि उसका दिल ही नहीं करता काम करने का। और ये माशाल्लाह 80 प्लस हो गए हैं, और यकीन करें कि इनको हार्ट पेशेंट हैं, दो हार्ट अटैक भी हो चुके हैं, फालस का अटैक भी हो चुका है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हम लोगों से कई दर्जे बेहतर हैं, और नमाज की पाबंदी करते हैं, और काम अभी भी इनको कोई काम मिले ना अगर ऑफर हो तो ये फ़ौरन से कर लें, इतना इनको जुनून है काम करने का, हालांकि सारी ज़िंदगी इन्होंने काम किया है। जी बिल्कुल, और यहाँ पे ना हम अपने सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं, अपने व्यूवर्स का जो कि हमारी जो है ना वो वीडियोस को डेली वॉच करते हैं, और यहाँ पे ख़ास तौर पे हम एक सब्सक्राइबर का जिक्र करेंगे, एक व्यूवर हमारा मोहम्मद यूसुफ, जो कि घर में अपने टीवी के ऊपर जो है ना वो डेली हमारी वीडियोस देखता है, डेली जो है ना वो घर में उन्होंने बड़ी एलसीडी लगवाई हुई है, उस पर जो है ना वो पूरी फैमिली बैठ के देखती है, वो हमें बड़ा खुश हो गए। हम हाँ सेंड किया था कि उस पर वो हमारे व्लॉग्स देखते हैं, तो आप लोगों की इतनी ज़्यादा मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, और हम लोग बाकी लोगों से भी यही उम्मीद करते हैं कि वो भी हमें वैसा ही प्यार और वैसे ही रिस्पेक्ट देंगे, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, और हमारा 50K इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्द ही कंप्लीट होगा। मोना भी जी चेंज करके आ गई है, और गोलो मटोलो बेबी ने खाना भी खा लिया है ना। यस, ये हमारी गोलो मटोलो बेबी, मेरी तरफ से एक पारी कर दो उसे, मुझे भी दो पारी। चलो जी, हमारी गोलो मटोलो बेबी है ये, और इसे आपने भी अब गोलो मटोलो बेबी कहा करना है। ठीक है, अच्छा आप लोगों से मैंने एक बात शेयर करनी थी, हमारे जानने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं वो अपने बच्चों के रिश्तों के लिए, तो हम लोगों को मतलब उन्होंने कहा था, और हम तो किसी को जानते नहीं हैं, तो हमने सोचा कि अपनी अपनी जो YouTube फैमिली से बात करेंगे कि अगर आपकी नज़र में कोई अच्छा ऑथेंटिक जो है मैरिज ब्यूरो हो या कोई ऐसा हो कि जो अच्छे रिश्ते करवाता हो, तो प्लीज़ आप हम लोगों से लाजमी कॉन्टेक्ट कीजिएगा, हमें उनके बारे में ज़रूर बताइएगा, ताकि जिन लोगों के ये प्रॉब्लम्स हैं हम उनसे रब्ता करके उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व। हमें भी काफ़ी लोगों ने कहा है कि आप जो है ना वो मैरिज ब्यूरो वाला काम जो है ना स्टार्ट कर दें, लेकिन हम जो है ना वो कहते हैं कि वो बड़ा ये ना घूमने फिरने वाला काम है, बड़ा जो है ना वो
उसके अलावा भी जो है ना ये काफ़ी मुश्किल काम इस वजह से भी है कि बड़ी जो है ना छानबीन करनी पड़ती है, कल को जो है ना मसला मसाइल हो जाए तो सारा ब्लेम रिश्ते करवाने वाले पे आ जाता है ना। फिर वो अगर मियां बीवी की आपस में नहीं ना बनती, जो जिसने रिश्ता करवाया होता पूरी जिंदगी उससे कोई गालियां पड़ती है। तो इससे बेहतर यही होता है कि बंदा इस काम में ना आए, लेकिन आना भी चाहिए, लेकिन वो लोग आए जिनके इस चीज में एक्सपीरियंस है और जो ऑथेंटिक लोग हैं, जो गलत बयानी ना करें, जो सच हो वो सामने रखे, अगले बंदे के दिल माने तो वो करे, दिल माने तो वो ना। जी इसीलिए हम बात कर रहे हैं ना अपने YouTube फैमिली के साथ कि इनकी नजर में कोई ऑथेंटिक हो तो वो हमें लाजमी बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का भी लोग आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना है। ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।